फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जनरल और लेजर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है और लेजर का फॉर्मेट किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में जनरल और लेजर दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसके अंदर हम जब व्यावसायिक लेनदेनों का लेखा जोखा करते हैं तो हम कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। और जनरल आप सभी जानते हैं कि जनरल इज बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और वाइल जो लेजर है उसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन है विच आर रिकॉर्ड इन एनालिटिकल ऑर्डर। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जनरल हो चाहे लेजर हो, लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जनरल एंड लेजर। अभी आप लोगों ने फर्स्ट टर्म एग्जाम भी प्लस वन क्लास ने कि बच्चों ने किया, उसमें भी जनरल और लेजर के बीच में डिफरेंस पूछा था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनरल और लेजर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जनरल और लेजर के बीच में डिफरेंस है, नंबर एक जो है, आप सभी जानते हैं कि जब भी डिफरेंस करेंगे तो आप सबसे पहले आप इसका बेस बनाएंगे, उसके बाद जनरल और इधर लिखेंगे लेजर। तो नंबर एक है, नंबर एक डिफरेंस है कि बुक्स, आप सभी जानते हैं कि जनरल इज ए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री व्हाइल लेजर इज बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। दैट मींस कि बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्टली रिकॉर्डेड इन जनरल एंड फाइनल एंट्री आर मेड इन द लेजर। फाइनल एंट्री जो है वो लेजर में बनाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो फर्स्टली जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो जनरल में रिकॉर्ड किया जाता है और जब आपने अंतिम प्रविष्टियां करनी हो तो वो लेजर में की जाती है। तो पहला डिफरेंस था बुक्स का। सेकंड डिफरेंस है जी आपका नेचर। तो आप सभी जानते हैं कि जनरल इज इन विच जनरल एंट्री आर मेड इन ए क्रोनोलॉजिकल मैनर व्हाइल लेजर आर पोस्टिंग इन ए एनालिटिकल मैनर। तो इस बात का ध्यान रखें कि जनरल में जो भी एंट्रियां की जाती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज या सिस्टम वाइज सीरियल नंबर वाइज की जाती है, जबकि जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो जनरल में एंट्री की जाती है और जब आप लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो एनालिटिकल ऑर्डर में की जाती है, अर्थात एक लेजर अकाउंट बनाते हैं और उसके अंदर जो सारी एंट्रियां आप करते हैं। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि एंट्री तीसरा जो डिफरेंस है वो एंट्री है। तो एंट्री आर मेड इन ए जनरल इन ए डिस्क्रिप्टिव मैनर व्हाइल जब आप एंट्री करते हैं लेजर में तो एंट्री आर मेड इन ए समराइज मैनर। दैट मींस कि जब भी आप जनरल में एंट्री करते हैं तो एंट्री जो है वो विस्तृत रूप से की जाती है, जबकि जब आप लेजर में लिखते हैं तो लेजर में जो एंट्री की जाती है वो संक्षिप्त रूप में की जाती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि रिकॉर्ड जनरल में जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो डेट वाइज करते हैं या सीरियल नंबर वाइज करते हैं, जबकि लेजर में जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप अकाउंट वाइज करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जनरल में जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो डेट वाइज या सीरियल नंबर वाइज किए जाते हैं, जबकि लेजर में जितने भी कोई भी चीज रिकॉर्ड की जाती है वो अकाउंट वाइज जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद परमानेंसी, अस्थाई या अस्थाई की जब बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जनरल में जो रिकॉर्ड किया जाता है उस रिकॉर्ड को जो है वो टेम्परेरी रिकॉर्ड बोलते हैं। जो जनरल में रिकॉर्ड किया जाता है उससे आप अस्थाई रिकॉर्ड की संख्या देते हैं, जबकि जब भी कोई चीज आप लेजर में लिखते हैं तो उसे आप परमानेंट रिकॉर्ड या अस्थाई रिकॉर्ड की संख्या देते हैं। तो जनरल में जो भी रिकॉर्ड किया जाता है उसे आप अस्थाई रिकॉर्ड की संख्या देते हैं, जब लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है उसे आप परमानेंट रिकॉर्ड की संख्या देते हैं। उसके बाद अगला जी आपका प्रोसेसिंग, आप सभी जानते हैं द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ जनरल इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। तो आप जब जनरल में लिखते हैं उसको आप रिकॉर्डिंग बोलते हैं, और आप सभी जानते हैं द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ जनरल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। तो जनरल में जो भी चीज आप लिखते हैं उसको आप रिकॉर्डिंग बोलते हैं, और लेजर में जो भी चीज आप लिखते हैं उसको आप पोस्टिंग की संख्या देते हैं, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। दैट मींस द प्रोसेस विच आर अडॉप्टेड फ्रॉम जनरल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो जब आप जनरल से लेजर में कोई चीज लिखते हैं तो उसे आप पोस्टिंग की संख्या देते हैं, ठीक है। जब आप कोई चीज जनरल में लिखते हैं तो उसको आप रिकॉर्डिंग की संख्या देते हैं, जब कोई चीज आप जनरल में लिखते हैं तो उसे आप जनरल में लिखते हैं तो उसे आप रिकॉर्डिंग की संख्या देते हैं, और जब आप कोई चीज लेजर में लिखते हैं तो उसे आप पोस्टिंग की संख्या देते हैं। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आप सभी जानते हैं नरेशन। तो आप सभी जानते हैं कि जनरल में जो है वो नरेशन लिखना अनिवार्य होता है, जबकि लेजर में जो है वो किसी प्रकार की नरेशन नहीं लिखी जाती। उसके बाद अगर यूनिट बाय यूनिट की बात करें तो आप सभी जानते हैं अगर डिफरेंस जो है वो यूनिट का है, तो आप सभी जानते हैं कि जनरल में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है उन्हें आप यूनिट की संख्या देते हैं, जबकि आपके लेजर में जो है किसी अकाउंट को जो है एक यूनिट की संख्या दी जाती है।
अगला जो डिफरेंस है वो है जी फाइनल अकाउंट। आप सभी जानते हैं कि जर्नल के माध्यम से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जा सकते, जबकि लेजर के माध्यम से जो है वो फाइनल अंतिम खाते जो है वो तैयार किए जाते हैं। मतलब जर्नल के माध्यम से ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनाई जा सकती, जबकि लेजर के माध्यम से आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट और अन्य किसी प्रकार की स्टेटमेंट को जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद आप सभी जानते हैं बेस, आप सभी जानते हैं कि जनरल जो है वो बेस है लेजर का। आप जब जनरल जो है वो आधार बनता है लेजर बनाने का, तो लेजर में जब आप कोई जनरल सेल की लेजर में करते हैं तो बड़ा आसान होता है, जबकि जो लेजर है वो बेस बनता है ट्रायल बैलेंस बनाने का। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि जनरल जो है वो आधार बनता है लेजर का, जबकि लेजर जो है आधार बनता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का। तो ये इनके बीच में डिफरेंस थे। आप मैंने इस आपको बताया कि चाहे वो जनरल हो चाहे लेजर हो, दोनों ही लेखे की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें हम दोहरा लेखा प्रणाली की महत्वपूर्ण पुस्तक होते हैं। जनरल में जो हम एंट्री करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, जबकि हम लेजर में जो एंट्री करते हैं वो एनालिटिकल ऑर्डर में करते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड लेजर। उसके बाद फॉर्मेट, कि फॉर्मेट कैसे बनाते हैं जनरल लेजर का। तो फॉर्मेट ऑफ लेजर में सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जिस अकाउंट को आप बना रहे हैं उस अकाउंट का नाम जो है बिल्कुल सेंटर में लिख दिया जाता है। नेम ऑफ अकाउंट विच आर एंटर, जिस अकाउंट को आप खोल रहे हैं उस अकाउंट का नाम जो है बिल्कुल सेंटर में लिख दिया जाता है। पहला कॉलम आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी आपकी वो डेबिट साइड होती है, एंड राइट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड, बिकॉज अकाउंट हैज टी फॉर्म, अकाउंट हैज टी फॉर्म। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड, एंड राइट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो जब भी कभी आप अकाउंट खोलते हैं तो सबसे पहले उस अकाउंट का नाम बिल्कुल सेंटर में लिख दिया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में डीआर शब्द का प्रयोग और राइट हैंड साइड में सीआर शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है। क्रेडिट शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है। उसके बाद फिर एक लाइन ऑफ डिमार्केशन का दी जाती है, ये बीच में आप लाइन ऑफ डिमार्केशन आएंगे। तो लाइन ऑफ डिमार्केशन है, लाइन ऑफ डिमार्केशन के लेफ्ट हैंड कॉर्नर में डेबिट साइड और राइट हैंड कॉर्नर में डेबिट साइड लिखा जाता है। उसके बाद पहला कॉलम आप सभी जानते हैं डेट का, क्योंकि अकाउंट जो है वो टी फॉर्म का होता है। पहला कॉलम जो होता है वो डेट का होता है, अगला कॉलम जो है वो पर्टिकुलर्स का होता है, अगला कॉलम जो है वो जनरल फोलियो का होता है, फिर अमाउंट जो डेबिट अमाउंट इन रूपी होता है, अगला कॉलम फिर डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर जनरल फोलियो और फिर अमाउंट इन रूपीज। तो आप सभी जानते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए आप कि जब भी आप जनरल एंट्री करते हैं तो अकाउंट जो है वो टी फॉर्म का होता है। मतलब जब आप लेजर पोस्टिंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अकाउंट जो है वो टी फॉर्म का होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। जब भी कभी आप अकाउंट बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि अकाउंट जो है वो टी फॉर्म में होता है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड होती है। प्रत्येक भाग के चार भाग होते हैं, पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर का, फिर जनरल फोलियो, फिर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो और अमाउंट इन रूपीज। अब कुछ एक बातें कि व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल बी रिमेंबर व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग दिस फॉर्मेट। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जब भी आप ईयर लिखेंगे तो आप सबसे पहले जो है यहाँ पर ईयर लिखेंगे, ईयर मतलब डेट लिखेंगे, तो सबसे पहले आप ईयर लिखेंगे, फिर आप मंथ लिखेंगे और फिर उसके बाद जो है आप जो है वो डेट लिखेंगे। यहाँ पर जिस खाते को आपने डेबिट करना है उसके लिए आपने टू शब्द का प्रयोग जरूर करना है। टू शब्द का प्रयोग किया जाएगा जिस अकाउंट को आप खोलेंगे, और उस अकाउंट का नाम लिखा था जिस अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हैं। तो नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिट यहाँ पर लिखेंगे, जिस अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हैं नेम ऑफ अकाउंट, उस अकाउंट का आप नाम लिखेंगे। जनरल फोलियो के कॉलम में इस अकाउंट का जो पेज नंबर है उसका जो है, ये अकाउंट जो है वो कौन से पेज नंबर पर आपने खोला उसका पेज नंबर लिखना है। नेम ऑफ अकाउंट जो आपने यहाँ पर खोला है उसका पेज नंबर क्या, अगर मान लो ये पेज नंबर 10 पे, तो आप यहाँ दिखेगी ये पेज नंबर 10 पर है, जिससे हमें जनरल एंट्री से लेजर से पता लगता है कि इसकी जो जनरल एंट्री है वो पेज नंबर 10 पर है। ये जो अकाउंट आप यहाँ पर लिख रहे हैं जिसका आप, या जिसका आप जो है लेजर बना रहे हैं, जिसका आप जो है लेजर बना रहे हैं, उस अकाउंट की जो एंट्री का जो जनरल में एंट्री है वो पेज नंबर 10 पर है। तो इसका मतलब है, ये क्लियर से इंडिकेशन है कि जिस अकाउंट को यहाँ पर आप खोल रहे हैं, जिस मतलब ये अकाउंट है, ये नेम ऑफ अकाउंट का मतलब होता है इस अकाउंट का नाम। जैसे ये कैश अकाउंट है तो कैश में जो आपने जनरल एंट्री करी कैश टू कैपिटल, वो कैश का यहाँ पर तो लिखता है टू कैपिटल, परंतु जिस अकाउंट को आप खोल रहे हैं उस अकाउंट का पेज नंबर क्या है, उस अकाउंट का पेज कौन से पेज नंबर पर उसकी जनरल एंट्री है उसका पेज नंबर तो यहाँ लिखा जाता है। जनरल फोलियो का मतलब होता है जनरल का पृष्ठ नंबर, जिस पेज नंबर पर आपने जनरल एंट्री करी है उसका पेज नंबर यहाँ लिखा जाएगा। फिर उस अकाउंट को लिखेंगे जो उसके सामने है,
उस अकाउंट के सामने जो अमाउंट है, जैसे कैश अकाउंट खोल रहा है तो कैश के सामने का अमाउंट जो है यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि आप अकाउंट कौन सा खोल रहे हैं, कैश अकाउंट, तो उसके अकाउंट उस अकाउंट के सामने का अमाउंट लिखा जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी डेट, डेट को लिखने का तरीका वही, सबसे पहले ईयर, फिर लिखा आता है मंथ, और फिर लिखा आता है डेट, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिट, जिस अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हैं उस अकाउंट का नाम, नेम ऑफ अकाउंट जिसको आपने क्रेडिट करना है। यहाँ पर वही, जिस अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हैं, यदि मान लो के आपने रेंट पेड किया तो आपने एंट्री करी होगी रेंट टू कैश, कैश क्या है क्रेडिट है, तो कैश के क्रेडिट में एंट्री की जाएगी, परंतु अकाउंट का नाम लिखा जाएगा जो उसके डेबिट में यहाँ पर रेंट। तो यहाँ पर कैश का कौन से पेज नंबर पर है, मान लो ये पेज नंबर 12 पे है, तो यहाँ पर लिखेंगे पेज नंबर 12 की कैश का जो रेंट जो आपने पेड किया, ये पेज नंबर 12 पर इसकी जनरल एंट्री है, और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट जितने से आपने वो रेंट पेड किया उस अमाउंट को लिखा जाएगा। तो ये आपका जनरल का फॉर्मेट था। अब आप इस बात का ध्यान रखें, थोड़े से एग्जांपल के द्वारा आपको और अधिक क्लियर करते हैं, कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ आप जिस अकाउंट को खोल रहे हैं, जिस अकाउंट को आप यहाँ पर खोल रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कैश अकाउंट खोला, तो कैश अकाउंट में कभी भी टू कैश और बाय कैश नहीं किया जाएगा। जिस अकाउंट को आप खोल रहे हैं उस अकाउंट में उस अकाउंट का नाम कभी भी नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर कभी भी टू कैश और बाय कैश नहीं किया जाएगा। जिस अकाउंट को आप खोल रहे हैं उस अकाउंट में कभी भी टू कैश और बाय कैश नहीं किया जाएगा। मैंने यहाँ लिखा है कि नहीं किया जाएगा, अर्थात मैंने ये काट दिया है कि कभी भी कैश अकाउंट में टू कैश और बाय कैश नहीं किया जाएगा, कभी भी रेंट अकाउंट में टू रेंट और बाय रेंट नहीं किया जाएगा, कभी भी कैपिटल अकाउंट में टू कैपिटल और बाय कैपिटल नहीं किया जाएगा, कभी भी राम अकाउंट में टू राम और बाय राम नहीं किया जाएगा, कभी भी कमीशन अकाउंट में टू कमीशन और बाय कमीशन नहीं किया जाएगा। क्योंकि जिस अकाउंट को आप खोलते हैं, जनरल जनरेटर का एक रूल भी है कि जिस अकाउंट को खोलते हैं उस अकाउंट में उस अकाउंट का नाम कभी भी नहीं लिखा जाएगा। जो आपने अकाउंट यहाँ पर खोला है, अर्थात यहाँ पर अगर आपने कैश अकाउंट खोला है तो कभी भी टू कैश और बाय कैश नहीं किया जाएगा। यदि आपने रेंट अकाउंट खोला है तो उसमें कभी भी टू रेंट और बाय रेंट नहीं किया जाएगा। यदि आपने यहाँ बेसिस अकाउंट खोला है तो उसमें कभी भी टू बेसिस और बाय बेसिस नहीं किया जाएगा। यदि आपने यहाँ कैपिटल अकाउंट खोला है तो यहाँ पर टू कैपिटल और बाय कैपिटल नहीं किया जाएगा। इतना एग्जांपल देने के बाद तो शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने यहाँ सेल खोला है तो कभी भी टू सेल और बाय सेल नहीं किया जाएगा। अगर आपने ड्राइंग अकाउंट खोला है तो टू ड्राइंग और बाय ड्राइंग अकाउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपने परचेज अकाउंट खोला है तो कभी भी टू परचेज और बाय परचेज नहीं लिखा जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप, इन सारी बातों को आप ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन के अंदर हम इसके प्रिंसिपल बताएंगे कि किस प्रकार से जो है हाउ टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।